बेमतलब बेफजूल बेकार नहीं हैं, ये नए दौर के रिश्ते हैं, बस वफादार नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपटूडेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर और वार्ड है कमला नगर, वार्ड नंबर 69। यहाँ से कुछ राजनीतिक समीकरणों में फेरबदल हुआ। आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता जो पिछले 5 सालों से क्षेत्र की आम जनता की आवाज़ बनी हुई थी, लेकिन क्या कुछ हुआ, सर्वे में टॉप पर रहने के बावजूद भी इनको टिकट नहीं दी गई और मजबूरीवश जनता की मांग पर, अपने साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की डिमांड पर इन्हें मजबूरन निर्दलीय होकर मैदान में आना पड़ा और चुनाव चिन्ह है इनका फुटबॉल। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ रहीं, कैसे रहा और क्या इनका आगे का चुनाव में लड़ने का रोड मैप होगा। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा कि आज आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा। देखिए, ऐसा है, मेरे आत्मसम्मान की बात हो गई है। मेरे साथ मेरी क्षेत्र की जनता इतने समय से जुड़ी हुई है, मैं उनको निराश नहीं कर सकती थी, ये मेरे लिए आत्मसम्मान की बात है। मैं इतने समय से ग्राउंड पे जुड़ी हुई हूँ, लोगों का प्यार मुझे इतने समय से मिल रहा है, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर मैं निर्दलीय नहीं खड़ी होती और मैं घर बैठ जाती तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती कि जितने भी मेरे लोग हैं जिनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं, शायद वो भी हताश हो जाते, वो भी कहते कि अब क्या होगा, मतलब जिन्होंने इतनी मेहनत करी उनको ही वोट नहीं मिला या टिकट नहीं मिली। तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ी थी, हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। तो इसलिए मैंने निर्दलीय खड़े होने का फैसला किया। ममता जी, हमने देखने को आया कि इस विधानसभा के अंदर, अब तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है कि पैसों के लेन देन के कारण जो टिकटों के बंटवारे के अंदर थोड़ा सा जो फेरबदल हुआ, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से एक्सपोज करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा जो मीडिया में प्रकरण चल रहे हैं कि जो भी चल रहे हैं, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी कि वो सच है, सही है, गलत है, झूठ है, सच है। पर मेरा फ़र्ज अभी ये कहता है कि मुझे अपनी जनता के लिए, हक के लिए लड़ना है, मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। मैं अपने वार्ड को इस तरह हारते हुए और कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकती। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी थी, हमने कई तरह के सर्वे भी किए थे जिसमें कि जनता की जो आवाज़ थी, क्योंकि ये जो इस एरिए के अंदर देखा है कि मिश्रित एरिया है, इसमें धनाढ्य लोग भी हैं तो झुग्गी झोपड़ी से भी जुड़े हुए लोग हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े लोग जो मतदाता हैं वो भी हैं, तो सबकी आवाज़ आपके पास आ रही थी, लेकिन कैसे, क्या हुआ? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले बुद्धि बल की ज़रूरत होती है, धन बल और सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर हमारे पास इतना धन नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ें, हम और ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो हमारी तो यही लोगों से थी कि मेहनत के बल पे अगर आप हमें वोट दे सकते थे तो हमारे लिए वो बहुत खुशी की बात होती। जैसे कि प्रकरण आ रहा है कि किसी ने ये किया वो किया ये सब, तो मैं उसको नहीं जानती कि वो सच है गलत है, मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं निभा रही हूँ। अपना पक्ष रखने के लिए क्या पार्टी हाईकमान से बात करी या ऊपर जो बैठे हुए थे लोग? नहीं, पार्टी हाईकमान से क्या बात करनी है, उन्होंने तो हमसे मेहनत करवा ली खूब, फिर लास्ट टाइम पे कहते जी हमने देखा सर्वे में हमारा नाम ही नहीं। जो इंसान ग्राउंड रिपोर्ट, जिसकी आप किसी भी यूट्यूब कुछ भी उठा के देख लीजिए, न्यूज़ मीडिया में सबसे टॉप पे हम लोग थे, हमारी मेहनत बोल रही थी, मेरा नाम मेरा काम बोल रहा था, लेकिन जब हमने ये देखा कि सर्वे में हमारा नाम नहीं, तो मुझे बहुत ही चीज़ आहत हुई कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर मुझे टिकट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब समीकरण बहुत बदल गए हैं पहले से। अब वोट मांगने जाएंगे तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या विषय रहेंगे आपके? देखिए, वोट मांगने जब हम जाएंगे तो हमारा तो यही रहेगा कि चेहरा वही है, व्यक्ति वही है, नाम वही है, बस हमारे थोड़े जो समीकरण थे वो बदल गए हैं, हमारा चुनाव चिन्ह बदल गया है। हम पार्टी के साथ ही थे पहले भी और रहेंगे, बस पार्टी ने जो भी फैसला लिया हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। पर निर्दलीय जो मैं लड़ रही हूँ वो मेरा खुद का फैसला है, मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, और सभी मेरे जो बुज़ुर्ग लोग हैं सभी क्षेत्रों में, सभी जो जनता है उनसे मुझे बहुत स्नेह मिला, तो मैं उनकी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं आज निर्दलीय खड़ी हुई हूँ उनके साथ। अपने सिंबल को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आपने क्यों चुना, फुटबॉल ही क्यों? देखिए, सिंबल्स तो जो भी मिलते हैं, बट हमारे वार्ड से हमें सिंबल यही दिया। मेरा मानना है कि जो ये हमें सिंबल फुटबॉल मिला है वो एक तरह से जीत का प्रतीक है, जब हम किक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, तो उसी तरह से ये जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, उस तरह से वर्ल्ड कप भी चलेगा तो लोगों में वो क्रेज़ रहेगा और हमारा जो
मोटिव था कि हम ये सिंबल ले रहे हैं, शायद वो आगे जाके बहुत ऊंचा जाए उस चीज़ में। वोटर से एक अपील, हम क्यों दें आपको वोट? वोटर से अपील तो यही रहेगी, उन्हें पता है कि मैंने ग्राउंड पे काम किया है, मेरा सब लोग नाम जानते हैं, मेरे काम करते रहे और हम आगे भी काम करते रहेंगे। उन्हें विश्वास है मुझ पर कि अगर ये बेटी बहू या जो भी लड़की आएगी वो काम करेगी, काम के राजनीति करती है वो, इस तरह की कोई और चीज़ नहीं है उसके अंदर। ममता जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को ये माना जाता है और ये है भी, फैक्ट भी रहा है कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, तो आखिर इतने थोड़े समय में 8-9 सालों में ही ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि आम आदमी पार्टी ने ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही नाराज़ करना शुरू कर दिया, उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया? इस बारे में आपका हम राय जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, हमारे जो हमारा मॉडल टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसमें जितने भी वार्ड हैं, मैं ये नहीं कह, सारे लोग ही मेहनती हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही समीकरण देखने को मिल रहे हैं कि मेहनत को दरकिनार किया जा रहा है और धन बल के बल पे शायद लोगों को वोट टिकट दिया जा रहा है। तो मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पैसा तो दो टाइम का वो होता है, तो हमें मेहनत को तवज्जो देना चाहिए। पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि जिस मोटो को लेके वो आए थे कि ईमानदार पार्टी या मेहनत करने वाले लोग, वो सब फिर वो लोग समझेंगे नहीं ना उस चीज़ को कि भाई मेहनत को तो कहीं कोई जगह मिल ही नहीं रही है, तो फिर लोग उस चीज़ से नाराज़ रहेंगे, भटक जाएंगे, फिर वो या तो कहीं और जाएंगे या फिर इसके खिलाफ रहेंगे। ममता जी, जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि इस बार निगम चुनावों में टिकट देते वक्त हम उम्मीदवार की योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके काम को तरजीह देंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप में एजुकेशन की भी कमी नहीं है, यू आर हाईली एजुकेटेड, आपका ग्राउंड पे काम भी दिखता है, आपकी प्रेजेंस भी दिखती है, तो क्या वजह रही होगी कि आपको नज़रअंदाज किया गया? देखिए ऐसा होता है कि एक जो भी छोटा कार्यकर्ता जब ज़मीन से जुड़ा होता है वो बहुत मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सबसे पहले रिकॉग्नाइज हमारे संगठन के लोग ही करेंगे ना उसको, तो अगर संगठन के लोग ही नहीं उसको ऊपर तक पहुंचाएंगे या उनकी मेहनत को दरकिनार करते हैं, तो चाहे मनीष सिसोदिया जी कहते रहें, कितना भी कहते रहें जी कि मेहनत के बल पर इस बार MCT का चुनाव होगा, वो तो तभी होगा ना जब हमारे संगठन के लोग इस चीज़ को जानेंगे या संगठन के लोग इस बात को देखेंगे कि कौन बंदा जिसने ग्राउंड पे उसकी अच्छी पकड़ थी, उसने मेहनत करी है। तो वो चीज़ें तो मैं यही कहूँगी कि वो तो पार्टी को ही देखना होता है, हमारे विधायक को देखना होता है या संगठन के लोगों को देखना होता है। इसमें हमारी तो इतनी अप्रोच नहीं होती ना कि हम जाके सीधे मनोज सिसोदिया जी से बात करें इस चीज़ के लिए, हमारी बातों को कौन पहुँचाएगा, हमारे संगठन के लोग पहुँचाएंगे। इसी बीच में हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ साथी हैं जो चाहते हैं कि ममता चंद्रशेखर को चुनाव लड़ना चाहिए था, इन्हें अपना अस्तित्व की जो लड़ाई इन्होंने बोली है वो लड़ने को तैयार हुए हैं, तो इसके पीछे इनके मार्गदर्शक कौन हैं, कौन कौन लोग हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। सर, आपका नाम? मेरा नाम भैया किशन जी है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ममता जी को क्यों मैदान में आना पड़ा? ममता जी को इसलिए मैदान में आना पड़ा क्योंकि ममता जी हमारे गाँव की हर बेटी भी है, कोई बहू मानता है, कोई बेटी मानता है, इसी तरह हमारी ममता जी को हर घर से प्यार मिल रहा है, किसी की बेटी है, किसी की बहू, ये हर वोटर से जुड़ी हुई हैं, तन मन धन से उन्होंने वोटर का साथ दिया है। किसी भी काम के लिए रात को 12 बजे, चाहे कोई हॉस्पिटल का हो, चाहे कोई आधार कार्ड का हो, चाहे कोई पहचान पत्र का हो, सबके साथ एकदम भाईचारे के साथ, बहनों के साथ जुड़ी हुई, कभी किसी के काम के लिए मना नहीं करती हैं, इसीलिए 2 नंबर चौकी का वोटर इनको चाहता है तन मन धन से। ममता जी के बारे में ये कहना चाहेंगे जी, ये बहुत मेहनती बेटी है हमारी, काम करती है, दोनों करते हैं चंद्रशेखर जी रे, और हमने इनको इसीलिए खड़ा किया है, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है, हमारी तीसरी पीढ़ी तक भरोसा है इनके ऊपर, इसलिए हमने इनको खड़ा किया है और जिताएंगे जी। जिताएंगे भी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सीताराम बघेल, मैं घंटाघर पर रहता हूँ और ये बहुत मेहनती है, जो हम फोन करते हैं तो हमारे पास भी आती है, हमारा जो काम होता है उसे भी कराती है, और मतलब कोई भी हमारी गलियां पड़ी हैं खराब अभी तक, हम मतलब MLA ने वो काम अभी तक नहीं कराया। जैसा कि माना जाता है और ये बात में तथ्य भी है और फैक्ट्स भी हैं कि जो निगम चुनाव होता है वो ज़मीन से जुड़े
व्यक्तित्व का चुनाव होता है, चेहरे का चुनाव होता है। और यदि अगर इस तरह से अगर किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह के उम्मीदवारों की नाराज़गी या अनदेखी की जाती है तो उसका खामियाजा भुगतने को उस तरह की पार्टियां तैयार रहती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ममता चंद्रशेखर ज़मीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं और जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आज चुनावी मैदान में है, चुनावी समर में है। तो यहाँ की जनता को सोच समझकर निर्णय लेना होगा कि वो किसे चुनती हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को या जो लोग पैराशूट से आकर चुनाव में अपनी एंट्री ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।